लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा सिस्टम टेस्टिंग और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे अल्फा टेस्टिंग। इसमें हम पढ़ेंगे अल्फा टेस्टिंग, एक एग्जांपल लेंगे अल्फा टेस्टिंग का और हम ये देखेंगे कि अल्फा टेस्टिंग को क्यों यूज करते हैं। बड़ी नामचीन कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, गूगल है, जो भी अपना सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं मार्केट में, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो दो तरीके के टेस्टिंग से गुजरता है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा टेस्टिंग जो है वो बहुत ही हाईली स्किल टेस्टर परफॉर्म करते हैं ऑन साइट पे, यानी अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में अल्फा टेस्टिंग होगा। ये टेस्टिंग जो है इनहाउस होगा, इसमें टेस्टिंग टीम पूरी एप्लीकेशन को टेस्ट करेगी। ये टेस्टिंग में डेवलपमेंट टीम का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। एप्लीकेशन को बीटा टेस्टिंग में रिलीज होने से पहले ही जो भी टीम है वो अल्फा टेस्टिंग कर लेगी। अल्फा टेस्टिंग का मेन फोकस क्या है कि हम जो है रियल यूजर जो इंटरेक्ट करेगा एप्लीकेशन के साथ, वो ही हम अल्फा टेस्टिंग में करें बाय यूजिंग ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेक्निक्स। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक वेबसाइट है, हम वो वेबसाइट को एक मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं फॉर जनरल पब्लिक, तो उसका जो अल्फा टेस्टिंग इंटरनल लोग भी करेंगे और बीटा टेस्टिंग तो बाहर के जो भी बंदे हैं वो तो करने वाले, ठीक है। तो कोई भी इंटरनल अगर चीज है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज हो रहा है, तो उसका सिर्फ अल्फा टेस्टिंग ही होगा, क्योंकि वो जनरल पब्लिक के लिए यूज नहीं है, राइट। वैसे ही अल्फा टेस्टिंग जो है इंटरनल लोग करेंगे अपने यूज के लिए और ये देखेंगे कि एप्लीकेशन कैसे बिहेव कर रहा है, क्या वो यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्स कर रहा है, कितना यूजर फ्रेंडली है और परफॉर्मेंस कैसे दे रहा है। अब अल्फा टेस्टिंग क्यों होती है? अल्फा टेस्टिंग इसलिए होती है ताकि वो कोई भी स्कोप ना छूटे हमें बग आइडेंटिफाई करने का बीटा टेस्टिंग में। अल्फा टेस्टिंग जो है, अल्फा टेस्टिंग की जो टीम होती है उसमें बहुत ही हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल टेस्टर चाहिए होते जो ये एंश्योर कर सके कि प्रोडक्ट कंप्लीट है और प्रोडक्ट को बीटा टेस्टिंग में जाना चाहिए अब नेक्स्ट फेज में। अल्फा टेस्टिंग से और क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे बिहेव करेगा, वो रिलायबल है या नहीं है, रियल टाइम यूजर बिहेवियर हम जब करेंगे तो वो एनवायरमेंट में कैसे बिहेव करेगा, कोई भी शो स्टॉपर या सीरियस इश्यूज है तो हमें अल्फा टेस्टिंग में मिल जाएंगे कि भाई ये शो स्टॉपर इश्यू है, इसके कारण एप्लीकेशन क्रैश हो रही है। दूसरा ये बताएंगे हम लोग अल्फा टेस्टिंग में जो भी एरर हम डिटेक्ट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डिज़ाइन और फंक्शनैलिटी, ताकि वो चेंज हो सके। अगर कहीं डिज़ाइन में इश्यू है, राइट, मान लो बटन की डिज़ाइन है वो ठीक से नहीं की गई है, तो उसके कारण जो यूज़र को दिक्कत पड़ रही है क्लिक करने के लिए, वैसे छोटे छोटे जो एरर्स है जो बहुत ही हाईली इफेक्ट करते हैं एप्लीकेशन को, वो सारे हम लोग अल्फा टेस्टिंग में फाइंड करेंगे। हमने पढ़ा अल्फा टेस्टिंग के बारे में, हमने एग्जाम्पल्स देखा अल्फा टेस्टिंग के और हमने ये भी देखा कि अल्फा टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे बीटा टेस्टिंग।